से भी अटक रहा है। यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह ओपन हो गए। अस्सलाम कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। मायरा बहुत सड़ी हुई है। मायरा क्यों सड़ी हुई है? मायरा बहुत सड़ी हुई है। वही आज हमारे कितने प्लान खराब हुए हैं आज। नहीं, सबसे पहले हमारा क्या प्लान था? सबसे तो हमारा था लास्ट टाइम हमारा पता नहीं क्या है कि जब हम नियाग्रा फॉल का सोचते हैं कुछ ना कुछ हो जाता। लास्ट हमारा वीक में प्लान था नियाग्रा फॉल का, तो जी वो गाड़ी का टायर में प्रॉब्लम हो गया कि इतना लंबा हम ट्रैवल नहीं कर सकते जी। तो जी अब इस दफ़ा का प्लान था हमारा इस अब संडे को जाने का, लेकिन हमने जाना शाम में ही था 5 बजे। हाँ हम शाम में ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पे दिन में थोड़ा वो शाम एंजॉय करते हैं, फिर रात को बड़ी मेहनत होती है। जब जिस दिन सेबी का मैच हो ना, मुझे ना तुम्हारी वीडियो बनाने लोगों को दिखाओ। तो आज बहुत हमारे साथ ये आज सुहेब का मैच था मुल्तान सुल्तान का। आउट तो नहीं हो गया आज मुल्तान सुल्तान का, और था पिशावर जुल्मी का मैच था PSL का, और हम लोगों का पूरा पूरा था। मुझे था कि आज मैच जो है ना 2 बजे स्टार्ट हुआ है, तो मुझे था कि 5:30 जैसे खत्म होगा हम लोग निकल जाएंगे ना। 2 बजे अगर शुरू हो तो 6 बजे खत्म होना था। तो मुझे था 5:30 में भी पहले बारी आ जाए या बस वेब की तो हम इन्हें देख ही लेंगे, लेकिन क्या हुआ कि अभी मैच स्टार्ट हुआ है, तो अभी स्टार्ट हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो सोहेब वगैरह की टीम पहले बॉलिंग कर रही थी, तो सोहेब को इतनी बुरे कह रहे थे सही है। हाँ नहीं अल्लाह का शुक्र है। तो सोहेब को ना इतनी ज्यादा यहाँ पे इस जगह पे लग गई ना बॉल कलाई पे बहुत ज्यादा शदीद तरीके से बॉल लगा है कि वो बेचारा ग्राउंड में ऐसे लेट सा ही गया था, तो इतनी परेशानी इतनी टेंशन क्योंकि वो बिल्कुल लेट सा गया ग्राउंड में, और हम लोग इतने परेशान। बस फिर किसने जाना था नियाग्रा फॉल, टेंशन दुआएं नमाजें अल्लाह मियाँ ठीक हो कोई मसला ना हो, क्योंकि जिस तरह वो डॉक्टर उसको लेकर गए हैं हाथ पकड़ के हमें लगा कोई शदीद इंजरी तो नहीं हो गई। भाई मुझे यही था कि फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए, फिर तो बड़ा वो था बुरी दुआएं। बात हो गई थी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, वो हमें तसल्ली क्योंकि रब्ता तो हमारा हो नहीं सक रहा था PSL में, ऐसे तो नहीं आप कर सकते, हमने मैसेज किया वो तो डिलीवर भी नहीं हुआ, मैच के बाद ही रब्ता होता है। तो फिर हम लोगों का रब्ता सोहेब के साथ हुआ है, वो तो खैर उसके बाद मैच के बाद तो हो गया था, लेकिन जब वो इनकी बैटिंग आई है ना, तो सोहेब जब अपने नंबर पे खेलने के लिए आया तो हमें तसल्ली हुई, स्पेशली जब वो खेलने आया तसल्ली तो हुई, लेकिन एक डर भी के भाई इसको दर्द हो रहा होगा, अल्लाह करे सही से खेले। लेकिन सेबी मामू ने बहुत अच्छा खेला माशाल्लाह। और ये जब हम मैच देख रहे थे मुल्तान सुल्तान जो है ना वो बैटिंग कर रहा था, और प्लेयर्स बेचारों का गर्मी से बुरा हाल था, हेलमेट उतार के पसीना साफ कर रहे हैं, हाथ पिच पे फेर के ग्लव्स पहने ताकि पसीना ना आए। और जी मैं देख रही हूँ इसके ऊपर क्योंकि वहाँ पे YouTube में हम 2-3 बॉल्स ना वो नीचे चल रहा होता है ना, तो फिर बहुत फिर टेंशन होती है, तो फिर मैंने मम्मी को कहा आप अपना इधर क्योंकि यहाँ PTV लाइव चल रहा होता है, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप मुझे ऐसे दिखाओ कि वो 2-3 बॉल्स यहाँ पे जो है वो पीछे चल रहा होता है, तो बस फिर वो टेंशन हो रही थी कि क्या हो गया। हाँ इस पे 50 हो चुकी है मम्मी का मैं देख रही हूँ, और यहाँ पे अभी होनी है। अच्छा विकी मुझे तुम्हारे से पहले पता चल गया मम्मी के यहाँ पे बॉल्स पीछे चल रही हैं। वो छक्का, वाओ सेब ने 6 लगा दिया। अरे ये देखो इधर अभी 2 ये मुझे बड़ा मजा है ये YouTube माशाल्लाह मैच फिनिश करके जाए मायरा हैप्पी। इधर 6 लग चुका है अभी, इधर तक इधर 4 लगा, इधर पीछे चल रहा है हमारा जो है ना वो YouTube पे आपका मम्मी लाइव आ रहा होता है ना वो PTV स्पोर्ट वो चैनल पे आप देख रहे हो। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा करम, अल्लाह का फजल, अल्लाह हाँ। आप सोहेब ने सिंगल लिया। यहाँ पर मायरा नमाज पढ़ के मामू के लिए दुआ करी थी। मामू के लिए मैंने बहुत सारी दुआएं की हैं बिकॉज उनकी चोट लगी थी कॉर्नर में, एंड अभी मामा आई जस्ट होप यू फील बेटर बिफोर आपकी बारी आएगी मैच में। मैंने बहुत सारी दुआएं की हैं आपको सेहत रहे, एंड आप दुआएं हम मैंने एंड मामा ने बहुत की हैं कि आप फिर अच्छी तरह से बॉल खेलो, आप मैच जिताओ, एंड
मायरा तो परेशान हो गई थी जब मामा ने मायरा को बताया कि मामा को ऐसे चोट लगी है, चोट लगी तो फिर मेरे हार्ट में ना कोई पेन हो गई थी कि व्हाट हैपेंड, तो इस तरह के मैंने बहुत रो रो के दवाएं की हैं मैंने, जस्ट मेक श्योर यू आर ओके, जस्ट गुड लक, मुझे पता आप बहुत अच्छा मैच खेलोगे इंशाल्लाह, एंड आपके दर्द भी ठीक हो जाएगी, आमीन। और मुल्तान सुल्तान जीत गया था माशाल्लाह, और सुहेब ने भी बहुत अच्छा किया था। आज हम आए हैं बाहर से खाना पिक करने, और यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह ओपन हो गए हैं कल से, लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने जैसे पैटियो रखा है कि आप आउटसाइड में खा सकते हो बैठ के, जैसे ये ओपन आ रहा है, लेकिन अंदर बैठ के नहीं आप खा सकते, पहले सिर्फ टेक आउट था, अब ये सहूलत हो गई है, बट बहुत कम जगह इस तरह की हैं कि जहाँ, बहुत कम रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पे पैटियो हैं, तो हमें जहाँ पे हम खाना खाने आए थे वहाँ पैटियो नहीं है, इसलिए हम पिक करके घर लेके जाएंगे और वहाँ पे हम खाएंगे। तो लेकिन हमारा पहले ही इरादा था लाहौरी टिक्का पे जाने का, लाहौरी रेस्टोरेंट है बहुत ज़बरदस्त, उनकी काफ़ी ओपन जगह मैंने आपको पहले भी जिराड में दिखाई हुई है, तो हम लोगों ने वहाँ जाना था, वहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया जहाँ बाहर बैठ के खा सकते हो, लेकिन जी इतना ज़्यादा लोगों का रश है, लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों ने विकी के जहन में आ गया कि फ़ोन कर लें, कहीं रिजर्वेशन ना करनी हो ना, तो जब हमने फ़ोन किया 7:30 बजे का टाइम था, उन्होंने कहा हम 8:30 बजे तक रिजर्वेशन ले रहे हैं, उससे पहले हम नहीं ले रहे, तो वहाँ तो जाने में ही जो है ना आधा पौना घंटा लग जाता है, सो फिर हमने कहा चलो प्लान हमारा सारा ख़राब हो गया। तो जी विकी भी खाना लेके आ गए हैं, फिर आज हम इतनी दूर लेके आए हैं, खाना आ गया हमारा, और हम घर जाके खाएंगे, सच्ची वो घर जाके वो मज़ा नहीं होता जो यहाँ पे आता है, उनका पैटियो नहीं था, ज़्यादा मज़ा आता है, इसमें कितना प्यारा वेदर हो रहा है, वो वहाँ पे देखो स्टारबक्स है, यहाँ पे दिखाओ वो सामने स्टारबक्स, और वहाँ पे तो ये जो आप देख रहे हैं स्टारबक्स के सामने ये लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी कैफे या रेस्टोरेंट के बाहर ऐसी जगह बनी हुई हो तो हम यहाँ पे बैठ के मतलब खाने की इजाज़त अब हुई है टेक आउट, और यहाँ पे सच्ची वो 2 साल हो गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर जाके शक्ल नहीं देखी जब से Where are you going into? तो नेक्स्ट वीक विकी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला जरूर जाएंगे, नेक्स्ट वीक जाएंगे फिर पैटियो में बैठ के खाएंगे, ऐसा लगता भूल ही गया रेस्टोरेंट में जो है ना खाना खाना। जी तो अब हम वापस घर जा रहे थे, और देखिए कितना खूबसूरत वेदर है, और बहुत हमने इंजॉय किया लॉन्ग ड्राइव और प्यारा वेदर, ना आ गया हम, और ये हम वॉन से लेके आए हैं। हाँ आपने बाहर का डोर खोला था इसलिए, चलो मायरा अब हम खुदा हाफिज करते हैं और फिर हम खाना जो है, मायरा कह रही है जी खाने को दिखाओ, तो खाना भी हम निकाल रहे हैं, लेकिन हक्का आपने इतनी दफा देखा हुआ है ना, ये हम स्पेशल लेके आए हैं इतनी ड्राइव करके, हाफ एन आवर से ज्यादा की ड्राइव वहां से हम लेके आए हैं, हमें वहां का हक्का बहुत पसंद है, तो चले जी अब हम खाना खाते हैं। और हक्का भी तो दिल उस वक्त इतना भरा हुआ था आपने, बस फिर आपने दिल के साथ जो है ना दुआ की, आप तो वैसे ही माशाल्लाह कहते हो ना कि मैं हर वक्त मेरे ज़हन में रहता है, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पार्टी फैमिली जो तुझे देते हो ना, तो ये जो है हमारी नानी अम्मा है, और ये जिनको आपने अभी वीडियो में देखा है, तो हमारे बुजुर्गों में यही आता है अल्लाह मियां इनको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र करें, हमें कोई परेशानी होती है हम फौरन इनको कहते हैं और ये दुआ करती हैं, और बड़ी अल्लाह मैंने जो है ना इनकी दुआओं में ताकत रखी, और सब बुज़ुर्गों की जो है ना दुआओं में बड़ी ताकत होती है, जैसे सुहेब को ये मैच के दौरान इंजरी हुई और हमें इतनी परेशानी थी, तो हमने फिर नानी माँ को फ़ोन किया दुआ के लिए कहा, और उनका दिल भर आया, उन्होंने रो रो कर दुआ की, और ये जो वीडियो ये तो नेक्स्ट डे की है, उस वक्त की बस मैं आपको दिखाती ना कि कैसे नानी माँ का दिल भरा हुआ था, रो के दुआ कर रही थी, तो फिर तो अल्लाह मियाँ ने सुनना ही था, और बड़ा अल्लाह मियाँ का फजल हुआ कि माशाल्लाह सुहेब बिल्कुल ठीक हो गया, और उन्होंने कहा कि देखना ग्राउंड में ना सिर्फ आएगा मौजा होगा बल्कि अच्छा भी खेलेगा, और माशाल्लाह अच्छा भी खेला, और चोट भी जो थी वो ठीक हो गई, तो अल्लाह मियाँ का बड़ा फजल हुआ, और अल्लाह मियाँ इन बुज़ुर्गों का साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रखें, दुआओं का ख़जाना है, और अल्लाह मियाँ इनको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। किस करें okay, so, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम खाने लगे खाना, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।